हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ नेक डिज़ाइन। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। साथ में बेल आइकन का भी बटन है, उसे भी आप दबा लें, तभी मेरी वीडियो जो है आप तक पहुँच पाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये फैब्रिक लिया है जिसकी लंबाई चौड़ाई 10-10 इंच है। तो और इसके अंदर मैंने क्या किया है, पहले से पेपर फ्यूजिंग चिपका ली है। तो इसको हम इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे और अपना नेक ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ से चौड़ाई वही जो नॉर्मल 3 इंच लेते हैं और यहाँ से लंबाई हम लेंगे 7.5 इंच। और इसको हम इस तरीके से शेप देंगे, जैसे पान शेप होता है उसी तरीके से शेप देना है, इस तरीके से। तो इसको मैं क्या करूँगी, कुर्ती पे भी हमें इसी तरीके से नेक काटना है। तो इसको कुर्ती पे सेट करके तो हम दोनों का ही साथ में नेक कट जाएगा, मतलब कुर्ती का भी और इसका भी। तो ये डबल से पड़ा हुआ है, यहाँ से फोल्ड है। इसको मैं इस तरीके से रखूँगी और पिनअप कर लूँगी। तो इसी शेप में हम इसकी कटिंग कर लेंगे। चलिए कर लेते हैं। तो ये देखिए कटिंग कर ली है और इस तरीके से ये हमारा नेक आ गया है। कुर्ती को भी खोल लेते हैं। ये कुर्ती का सीधा साइड है तो हमें इस तरीके से इसको नेक को रखना है। सिलाई लगा लेंगे और इसे हम पलटा लेंगे। चलिए इतना कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने इसको देखिए अच्छे से पलटा के और इसको प्रेस कर लिया है। अब हमें इसमें एक डिज़ाइनिंग लगानी है, तो जिसके लिए मैंने ये पट्टी तैयार की है। जैसे अपन डोरी बनाते हैं और उस डोरी को बना के मैंने प्रेस कर दिया है, अंदर मार्जिन नहीं था, तो इसलिए इस तरीके से चपटी डोरी बनेगी। अगर आपका मार्जिन अंदर है बहुत ज़्यादा तो गोल डोरी बनेगी भरी हुई। तो ये देखिए तकरीबन जो 1/4 इंच होता है ना, 1 इंच का भी चौथा हिस्सा, उतना इसकी चौड़ाई है। तो इसको मैं इस तरीके से रखूँगी। यहाँ से 1/2 इंच का गैप देके हम इस तरीके से इसको लगाएंगे इसी शेप में, जैसे हमारा ये वाला शेप है नेक का, और यहाँ तक सेंटर तक इसको हमें लगाना है। और हमें इसको 1/2 इंच गैप देकर 3 बार इस तरीके से डोरी को करना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, कच्ची सिलाई लगाऊँगी। आप चाहें तो नाप के यहाँ पर निशान भी लगा लें, मैं अंदाजे से कर लूँगी। तो चलिए कर लेते हैं। तो अभी सेंटर में मैं कच्ची सिलाई दूंगी क्योंकि हमें साइड में पक्की सिलाइयाँ लगानी है, 2 सिलाइयाँ लगेंगी साइडों में। तो चलिए पहले कच्ची सिलाई लगा लेते हैं। तो ऐसे एक कच्ची सिलाई अगर आप लगा लोगे ना तो ये एकदम फिक्स, मतलब लग जाएगा और हिलेगी नहीं। अब आप क्या है, साइडों में हम पक्की सिलाइयाँ लगाएंगे, तीनों में इसी तरीके से कर लेंगे। तो पक्की सिलाई मैंने लगा दी है सब में, और जो कच्ची सिलाई थी उसको मैंने निकाल दिया है। तो यहाँ पे मैं लेस लगाऊंगी। तो इस तरीके की लेस है मेरे पास जिसमें से मैंने ये काटा है। तो इसमें हमें अलग अलग फ्लावर करने हैं इस तरीके से, और ये एक एक इनमें इस तरीके से लग जाएगा, बिल्कुल सेंटर में लगेंगे हमारे ये तीनों फ्लावर। और इनको हम मशीन से नहीं, सुई धागे से अटैच करेंगे। तो चलिए कर लेते हैं इतना। तो फ्रेंड्स, रेडी है हमारा बिल्कुल नेक डिज़ाइन, और बहुत ही इजी है बनाने में ये। तो आप लोग भी ट्राई करना इसको जरूर। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक का बटन जरूर दबा देना, और सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक मेरे चैनल को, प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।